और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता, राम मंदिर उद्घाटन में जाने को लेकर कहा, आपको चोट लगेगी तो कहां जाओगे, अस्पताल या मंदिर? तो आपको समझदार बनना, कलेक्टर बनना होगा तो स्कूल जाओगे या मंदिर? देखिए ये बयान यहाँ पर सामने आए हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री की बात यहाँ पर हो रही है, जिन्होंने ये तमाम बातें कही है राम मंदिर को लेकर। चंद्रशेखर ने कह दिया है मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, मेरे बयान में गलत क्या है ये बताएं, चंद्रशेखर का कहना। राम मंदिर उद्घाटन में जाने को लेकर कहा, देखिए राम मंदिर उद्घाटन में जाने को लेकर उन्होंने जो बातें कही आपको बता रहे हैं कि चोट लगेगी तो कहां जाओगे, अस्पताल या मंदिर। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आपको समझदार बनना है, कलेक्टर बनना होगा तो स्कूल जाओगे या मंदिर जाओगे, ये सवाल उठाया उन्होंने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली, हमारी माता सावित्री बाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कही उनके बात को दोहराया, षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत जीव की कीमत लगा दी। तो देखिए ये बयान हमने आपको सुनवाया कि क्या कुछ उन्होंने कहा और इस बयान के बाद वो अपने बयान पर कायम भी रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कि आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे, मंदिर या अस्पताल? आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है, फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्री बाई फूले ने कही है, उसमें गलत क्या है? तो सुना आपने कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैंने जो कहा है उसमें गलत क्या है। ये बयान हमने आपको सुनाया है, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि अगर आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे, अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे, आपको समझदार बनना है, कलेक्टर बनना होगा तो स्कूल जाओगे या मंदिर। प्रशांत झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बिहार के शिक्षा मंत्री का इस तरह से बयान देना राम मंदिर को लेकर, किस तरह से लिया जाए इसे? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार इस तरह से रामायण को लेकर के, राम को लेकर के लगातार वो विवादित बयान देते रहे हैं और इस पर कई बार विवाद भी हुआ है, बावजूद वो कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है। और ताजा जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है और उसके बाद से ये पूरे बिहार में लोग चंद्रशेखर पर सवाल खड़े करने लगे हैं। एक जानकारी आपको और दे दूं कि इसी तरह जो आरजेडी के विधायक हैं अतरी से, जिनका नाम है अजय कुमार, खबर पर नजर लगातार, राम मंदिर पर चंद्रशेखर के जो विवादित बयान है उसके मायने क्या है, मंदिर गुलामी का रास्ता, एक विवादित बयान दिया और बयान पर कायम। शुक्रिया प्रशांत जानकारी तमाम साझा करने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान में गलत क्या है, एक तो बयान दिया और उसके बाद गलती भी नहीं मान रहे। Z News।